नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूएनआई न्यूज स्टार प्लस में। और साथियों, जानते हैं आप सभी लोग कि भारत में जो है दो चुनाव लगातार है। लोकसभा का जो चुनाव है वो 2024 का है और विधानसभा का जो चुनाव है वो 2025 में है। अब सरकार एक अपने दिमाग में योजना जो लाया हुआ है, मैंने कई बार इस योजना पे आप लोगों को जो है रूबरू कराए हैं आम जनता से और आम पब्लिक से, लेकिन इस समय सरकार जो घोषणा कर रहे हैं उस घोषणा के अंतर्गत हम आपको बताना भी चाहेंगे कि सरकार अगर घोषणा हर बार करती है लेकिन जो लागू है वो होता नहीं। आपको पूर्व में ले चलेंगे जहां पर आदरणीय हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो है पहले बोले हुए थे 2014 के चुनाव में कि हवाई चप्पल पहनने वाले को हम जो है हवाई जहाज में घुमा देंगे। सपना दिखाए थे, इसको आप सपना ही कह सकते हैं। उसके बाद बताए थे कि काले धन जो आएगा 15-15 लाख रुपया ऐसे ही मिल जाएगा। और फिर से जुमलेबाजी है, आशा वर्कर के साथ, सेविका, सहायिका और जीविका, इन चार वर्करों के साथ जो है बड़ी मनमानी की जा रही है, या फिर इसके इनके वेतन में जो बढ़ोतरी की बातें हैं वो घोषणा हो गया है लेकिन लागू नहीं हुआ है, बल्कि चुनाव का समय भी जो है नज़दीक आने वाले हैं, उसके बाद आचार संहिता लागू हो जाएगा, उसके बाद तो कुछ घोषणा या लागू होगा नहीं। और उमेश जी, जरा बात करना चाहेंगे कि सरकार जो है केवल घोषणा करते हैं, लागू चुनाव से पहले नहीं करते हैं, आप इसको किस प्रकार से देखते हैं? लागू चुनाव से पहले मैंने कर देता है कि ये देना है आशा, या चाहे किसी भी वर्ग के लोगों के, सरकार मैंने अपना प्रवर्णा रखता है जी, कि अपने वोट के लालच में हो चाहे जैसे हो, अपना प्रश्न तो रखता ही है जनता के बीच में। लेकिन उसमें धराते पे लागू सरकार बनने के बाद कोई भी पार्टी नहीं करता है जी, ये तो सच है। आप पूरा दुनिया के लोग जानता है, पूरा हिंदुस्तान के लोग जानता है कि कोई भी पार्टी है तो इसी तरह की बात करता ही है जी। प्रश्न रह गया सेविका, सहायिका, आजीविका की, आशा की वेतन न बढ़ रहे जी। वेतन न बढ़ने की बात है कि सबसे बड़ी बात है कि सरकार में जी, जब वो केंद्र सरकार हो और राज्य सरकार हो जी, दोनों सरकार में सेविका और सहायिका आंगनवाड़ी केंद्र के जो है महत्तम जितना शिक्षा विभाग में जैसे सरकार के स्कूल के दिया हुआ है जी, उस प्रकार से प्रमुखता नहीं दिया गया हुआ है इस क्षेत्र के जी, जो सरकार इस पर गाइडलाइन ढंग से नहीं कर पा रहा है जी, क्योंकि ये फंड जो आ रहा है वो थोड़ा सा अलग क्षेत्र से आ रहा है, इस पर ध्यान कम दे रहा है लोग। ध्यान देने की मतलब है कि जैसे देना चाहिए था उतने ध्यान सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो राज्य सरकार, वो दे नहीं रहा इस विभाग के ऊपर, क्योंकि सरकार के भी पता है कि फंड कहाँ से आ रहा है और कैसे वितरण किया जा रहा है, किस प्रकार से लागू है, तो इसको वजह से भी थोड़ा सा सरकार ढीले है जी। और यहाँ है कि दिक्कत तो हो रहा है, लोगों की तनख्वाह नहीं मिल रहा ढंग से, बहुत सारे दिक्कत है, तो लोग अपना धरना प्रदर्शन है, जिस तरीके से अपना प्रश्न सरकार के पास रखना चाह रहा है कि हमारी बात सुने, लेकिन सरकार सुन भी रहा है, सुन रहा है तो उसको कह तो दिया कि चलो कर देते हैं, लेकिन उसको धरातल पर लागू करना भी होगा। आप पर वंडा उड़ा दिए कि ये कर दिए वो कर दिए, अब उसको लागू तो करना ही होगा, उसको चाहे जिस जैसे भी करना हो, प्रलोभन देना ठीक नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, प्रलोभन देना ठीक नहीं है, प्रलोभन अगर देते हैं तो उसको लागू कीजिए। अच्छा, तो ये मानते हैं आपकी जो अभी घोषणा हुआ है उसको लोकसभा चुनाव से पहले लागू भी कर देना चाहिए? बिल्कुल कर देना चाहिए जी, अगर लागू कर देंगे तो अच्छी बात है जी, लागू अगर कर देंगे तो उनको लिए बहुत अच्छी बात है, वाहवाही होगा कि कम से कम घोषणा की और लागू भी कर दिया, और उससे और भी लोगों के पास जो भावनाएं हैं वो उजागर होगा कि एक क्षेत्र में अगर हुआ है तो दूसरे क्षेत्र में होगा। हम आपको ले चलेंगे 2014 के चुनाव में जहां पर मोदी सरकार जो है घोषणा तो किए लागू नहीं किए, बल्कि आज भी जो है लोग 15 लाख रुपए की इंतजार कर रहे हैं, आज भी जो है हवाई चप्पल पहनने वाले इंतजार में है कि कहिया जो है हवाई जहाज पर घूमेंगे। क्या उसी प्रकार की जुमलेबाजी ये 2024 के चुनाव में भी नहीं तो होने वाला, क्या लगता है आपको? देखिए, जुमलेबाजी तो सरकार बनाना था मोदी जी के, एक लहर था, लहर आया और उन्होंने नोटबंदी किया, 15 लाख रुपया खाता में आएगा, ये भी प्रश्न उन्होंने किया, लेकिन जो उन्होंने कहा वो अपने हिसाब से, हम आप तो कह रहे हैं कि 15 लाख कहें या दिए नहीं,
लेकिन मोदी जी की कहना क्या है इस बात के अर्थ हम आप दुनिया नहीं समझ पा रहे हैं, पॉलिटिशियन समझ पा रहा है इस चीज़ों की। अब पॉलिटिशियन जो समझ रहा है वो पॉलिटिशियन उस बात के रख नहीं रहा है। मोदी जी कहा और मोदी जी कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से उस पर काम भी कर रहा है। आप हर व्यक्ति के हिंदुस्तान में 15 लाख रुपया कहाँ से दे देगा, अपने घर से तो देगा नहीं। मोदी तो ऐसे कहा था कि हर व्यक्ति कहने 15 लाख रुपया कहने के लिए स्विच बैंक में कहा कि विदेशों में हिंदुस्तान के इतने पैसे है कि वो ले आएंगे तो हिंदुस्तान में गरीबी खत्म हो जाएगा। पैसा देने के लिए खाता भी जो है जनधन योजना से खुलवा दिया। वो पर्पज था मोदी जी के कि कितने लोगों के पैसे, अगर 1-1 सौ रुपये की खाता अगर हिंदुस्तान में 1 करोड़ आदमी अगर खुलाता है 1-1 सौ रुपये से, तो जानते हैं वो बैंक के पास कितने पैसे इकट्ठा हो। 1 सौ रुपये से अगर 1 करोड़ आदमी अगर खाता खुलाता है बैंक में, तो वो सरकार के पास कितने, बैंक के पास कितने पैसे होता है। ये सब एक टैक्टिक्स है जो लोग नहीं समझ पाता। अब वो सब है कि सरकार में है, अपना दिमाग चलाता है, दिमाग से सारा काम करता है, तो वो सब है, पटर पर चलता रहता है। आज 15 लाख की बात कर रहे हैं। आज देखिए जितने भी करप्शन जो हुआ है, करप्शन में कमी हुआ है, कहीं ना कहीं हुआ है। और इसी तरीका से मोदी जी की कहना है कि इसी तरीके से 15 लाख रुपया देंगे, मोदी जी के कहना है, बीजेपी के कहना है। बाकी लोगों का तो अनेक प्रकार से लोग कह रहा है कि बहुत सारे चीज कह रहा है। अब कहने के लिए लेके अपना लोगों की सोच है, हमारे पास क्या सोच है, आपके क्या सोच है, दुनिया की क्या सोच है, हिंदुस्तान के लोगों की क्या सोच है, तो अपने अपने डिपेंड करता है सोच पर कि मोदी जी क्या कर रहे हैं। आज मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, हर व्यक्ति से मैं पूछना चाहता हूँ। मोदी जी 15 साल सरकार मुख्यमंत्री रहे गुजरात में जी, 15 साल ही रहा, 15 साल के बाद केंद्र में आ गया, प्रधानमंत्री बन गए। हमने कहा कि 15 साल में मैं सोच रहा हूँ जब मोदी जी गुजरात के एक मॉडल बना सकता है, उस मॉडल पर देश पर राज कर सकता है, तो मैं कहना चाहता हूँ, इस नेता से कहना चाहता हूँ कि एक मोदी जी ऐसा काम कर सकते हैं, योगी जी यूपी के मॉडल बदल सकता है, ताकि अन्य हिंदुस्तान के अंदर और भी तो मुख्यमंत्री है, वो क्यों नहीं देश में इतना काम कर पा रहा है कि आपको वाहवाही हो। आज योगी जी यूपी में काम किया, 5 साल हुआ है, 5 साल हुआ भी नहीं है, लेकिन अच्छे की कर रहा है ना, चर्चा तो है ना। नहीं, वहाँ की भी जो है सेवका, सहायिका, आंगनबाड़ी, आशा और जीविका, ये सब वेतन के लिए तो हल्ला सब दुखी था, ये रहेगा दुखी। भाई साहब कुछ गमाने के लिए कुछ पाना, तो वो दूसरे क्षेत्र में काम कर, इस पर ध्यान ही नहीं दे रहे। मैं आपको साफ पहले कहा कि जिस क्षेत्र से काम आंगनबाड़ी या सेवका है, वो कहीं से विदेश से फंड आ रहा है, अनुदान मिल रहा है, तो अनुदान पर टेंशन क्यों करना। आपको मैंने दान दे दिया तो उस पर मंथन करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन काम तो भारत सरकार ले रही है ना, जिम्मेदारी भारत सरकार की है जी, लेकिन उसमें खड़े नहीं उतारना चाह रहा है ना, खड़े नहीं उतारना चाह रहा है। तो अगर इस बातों पर अगर कहा जाए कि महिलाओं को जो है नौकरी के नाम पर या वेतन के नाम पर सरकार शोषण कर रहा है, बिल्कुल शोषण हो रहा है जी, ये तो शोषण है ही है, बलगला कर शोषण करना ये सब है सरकार। तो अब बहुत सारे चीज है कि इस पर विरोध बढ़िया से करे। अच्छा, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कार्यकर्ता और जीविका, इन लोगों का जो रुझान है 2024 के चुनाव को लेकर के, क्या लगता है आपको कि मोदी को जो है किस, फर्क तो पड़ेगा जी, फर्क तो पड़ना तय है जी, लेकिन पूरा पूरे देश के सेविका और सहायिका जीविका एकत्रित होगा तब होगा जी। अगर उसमें से कुछ राज्य में हुआ कुछ राज्य में नहीं होगा, तो सरकार के किससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये तो चलता रहता है। कौन से हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कौन सी जगह है कि जहाँ धरना प्रदर्शन रोज नहीं होता है, हर समय चलता है। तो कुछ लोग है धरना प्रदर्शन करेंगे तो उससे सरकार के कुछ बनना या बिगड़ना नहीं है, पूरे देश के अंदर नियम होना चाहिए, लागू होना चाहिए। जैसे कि किसान वाला जो मामला है, आज है ना छाया हुआ जी, तो इसी तरीके से करना होगा, बोरा बिस्तरा बांध हुआ जाओ। तो पूरे भारत के आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा और जीविका, इन तमाम महिला वर्करों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, किस प्रकार से इकट्ठा? मैं संदेश ये देना चाहता हूँ, अगर सरकार आपकी बात नहीं सुनता है जी, तो पूरे देश के अंदर सिस्टम है, उस सिस्टम के द्वारा आप अपना धरना प्रदर्शन, अपना सरकार के पास बात पहुँचाने के लिए अपना धरना प्रदर्शन कीजिए, पूरे देश के लोग मिलकर कीजिए जी, और सभी के लिए फायदेमंद है जी। आप कुछ राज करें, बिहार है, झारखंड है, जैसे यूपी हो गया, और भी स्टेट है, अब
चार गो स्टेट किए करेगा अब कई स्टेट नहीं करेगा तो सरकार को उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पूरे देश के लोग मिलकर अगर करता है तो सरकार के पास संदेश पहुंचेगा, उस पर लागू करेगा, काम मंथन करेगा, उसको सरकार में बैठकर मंथन करेगा, मीटिंग करेगा अपने अफसर के साथ कि आओ और देखो।